जो बच्चों के गेम्स होते हैं वो सिर्फ स्क्रीन चेंज हो रही होती है, जो ज़हनी तौर को पर कमज़ोर करती हैं। आपको शायद ये खुशफहमी हो गई होगी कि मेरे बच्चे को ABCD बहुत जल्दी आ गई है, 1 2 3 4 आ गई है, पोएम सुनाने लग गया है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बड़ा कॉमन सवाल आजकल ये पूछा जाता है कि जी बच्चे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, हम क्या करें, मोबाइल फ़ोन के बगैर वो रह ही नहीं सकते, मोबाइल फ़ोन हमें देते नहीं हैं। सारी माओं का एक ही सवाल ये हो रहा होता है। और ये सवाल भी बड़ा पूछा जाता है कि अच्छा बताएं कि बच्चों को मोबाइल कब देना चाहिए। मैं ये ज़ाती तौर पर ही समझता हूँ कि आप खुद इतनी समझदार होंगी कि आपको ये मालूम होगा कि मोबाइल फ़ोन कब दिया जाना चाहिए। कोई भी चीज़ इस्तेमाल की आप कब देते हैं, जब उसको उसके इस्तेमाल का पता होता है, जब उसको उसके नुकसान और फ़ायदे का पता होता है, तभी आप देते हैं ना। तो पहली बात तो ये याद रखें कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आपके लिए बच्चे के लिए मुफीद नहीं है। वो मेरी बहनें सख्त गलती करती हैं जो अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन दे के खाना खिलाती हैं, इसलिए कि वो मोबाइल फ़ोन में लग जाएगा और खा लेगा, नहीं तो नहीं खाएगा। याद रखें, मोबाइल फ़ोन या कोई भी डिस्ट्रैक्शन, चाहे बड़े हों चाहे वो छोटे हों, आप जब खाना खाते हैं डिस्ट्रैक्शन के साथ, वो इतना निज़ाम हाजमा में नहीं जाता, वो एनर्जी में तब्दील नहीं होता। बच्चों को आपके जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एलर्जीज़ के, ओबिसिटी के, आपका इम्यून सिस्टम जो उनके क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो रही है, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि खाना खाते हुए मोबाइल फ़ोन देखते हैं। अभी मैं कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो बच्चों के गेम्स होते हैं वो सिर्फ स्क्रीन चेंज हो रही होती है, जो ज़हनी तौर को पर कमज़ोर करती हैं। आपको शायद ये खुशफहमी हो गई होगी कि मेरे बच्चे को ABCD बहुत जल्दी आ गई है, 1 2 3 4 आ गई है, पोएम सुनाने लग गया है, लेकिन वो सिर्फ वो रिपीटिशन की वजह से सिर्फ उसको क्या चीज़ हो रही है कि वो पैटर्न जो है वो बन रहा है। दुनिया पैटर्न के ऊपर नहीं चलती, दुनिया एक्सप्लोरेशन के ऊपर चलती है, खुलने के ऊपर चलती है। बच्चे को 7 साल तक उसके जहन को खुलना चाहिए, नई नई चीज़ें देखनी चाहिए, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। लिहाजा आपके बच्चे की 7 साल तक का जो टाइम है स्क्रीन टाइम, वो 20 से 30 मिनट है टोटल। अगर आप इससे ज़्यादा अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन देते हैं, और वो भी अगर आप मॉनिटर नहीं कर रहे, क्योंकि ये सब चीज़ें इंस्टॉल होती हैं, उसके जो मैसेजेस हैं वो भी इंस्टॉल होते हैं, वायलेंस इंस्टॉल होता है, ये किसी भी हाल में सेहतमंद नहीं। और मेरी बहनों को कई दफ़ा ये प्रोग्राम है, मुझे भी उन्होंने ये पूछा है कि जी क्या करें, वो निकाल लेता है। वो आपके घर के अंदर बेखल फिनाइल भी होता है जिससे आप फर्श साफ़ करते हैं, आपके घर के अंदर तेज़ाब भी होता है जिससे आप टॉयलेट साफ़ करते हैं, वो तो आप 4 लॉक्स के अंदर लॉक करके रखते हैं कि मेरे बच्चे को हाथ ना लग जाए। और ये जो आपके लिए, बच्चे के लिए, सारी ज़िंदगी के लिए उसको जो है वो कमज़ोर कर सकता है, माउफ कर सकता है, वो आप चीज़ जो है वो खुली रखती हैं, इसको आप ताले में नहीं लगा सकती। ऐसे कैसे मुमकिन है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को ताले में नहीं लगा सकती जहाँ से वो बच्चा जो है वो निकाल के ले आता है। बच्चों को मोबाइल फ़ोन 7 साल की एज तक 20 से 30 मिनट पर डे ज़्यादा देते हैं, आप बच्चे की नशोनुमा के लिए सख्त नुकसानदेह काम करती हैं। लेकिन आप जब अपने मॉनिटर नहीं कर रहे होते और बच्चे, आप YouTube के ऊपर, आपको पता है सब ओपन कंटेंट आ रहा होता है, और उस कंटेंट के अंदर बच्चे जब देख रहे होते हैं कि इस तरह मुंह धोया जा सकता है, इस तरह नहाया जा सकता है, इस तरह चीज़ें खाई जा सकती हैं, वो किसी भी सूरत में हमारी सेहत पाकीज़गी के ख़िलाफ़ होती हैं। आप अगर वो मॉनिटर नहीं कर रहे कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, और आप खुद दिलचस्पी नहीं ले रहे अपने बच्चे के साथ बैठ के नहीं देख रहे, तो आप उसको सही और गलत कैसे बताएंगे? आपको कंटेंट को सही और गलत बताना बच्चे के लिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो बच्चा खुद जो इंस्टॉल करेगा फिर वो वैसे ही अमल कर रहा होगा, जो मैं वाज़े तौर पर आपको कह रहा हूँ उसके लिए सेहतमंद नहीं होगा। कोई डिजिटल मीडिया, कोई स्क्रीन, कोई वीडियो वो नहीं सिखा सकती इतना अच्छा जितना आप सिखा सकती हैं, क्योंकि आपके साथ इमोशंस अटैच होते हैं, फला अटैच होती है, बच्चे की कामयाबी अटैच होती है, जो कि डिजिटल स्क्रीन के ऊपर नहीं हो सकती। एहसासात और जज्बात आपके जो हैं वो बच्चे को ज़्यादा अच्छा सिखाते हैं। अपने बच्चों को स्क्रीन का मोहताज ना बनाइए, वो छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखानी है, आप सिखाइए। बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं जो कि अब आपको सीखने होंगे कि मुझे अपने फ़ोन के ऊपर, अपने टीवी के ऊपर डालने हैं कि मेरे बच्चे के लिए क्या चीज़ मुनासिब है और क्या चीज़ मुनासिब नहीं है। अगर आपने सिर्फ आज़ाद छोड़ दिया और बच्चे ने देखना शुरू किया, तो आप यकीन माने उसके बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे। मैं बारहा आपसे ये कह रहा हूँ कि जब ये बच्चा पढ़ने लग जाए 7 साल की उम्र के बाद, इसको सही और गलत की आहिस्ता आहिस्ता पहचान होनी शुरू हो जाए, आपकी मॉनिटरिंग के अंदर फिर आप इनको चीज़ें दे सकते हैं। आपको तरबियत देनी होगी, मोबाइल फ़ोन के बगैर आप नहीं रह सकेंगे, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी मोबाइल फ़ोन पर, कॉलेज मोबाइल फ़ोन पे, और बहुत जल्द स्कूल मोबाइल फ़ोन के ऊपर आएगा। लेकिन कौन सा प्राइमरी के बाद, प्राइमरी तक का बच्चे को ऊपर आपको कंट्रोल करना है, सही और गलत सिखाना है, ताकि जब बच्चा खोल भी ले तो उसको पता होगा कि ये गलत है, मम्मा ये बड़ी गलत चीज़ आ गई है। उस दिन आपको बड़ा खुशी होगी कि बहुत अच्छा हुआ कि मैंने अपने बेटे को गलत और सही सिखाया, बजाय इसके कि मैं उसे छीन लेती और वो फिर वो छुप के कुछ ना कुछ देख रहा होता। एक और जो है ये बड़ा सवाल होता है कि मैं अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन किस एज में दिलाऊँ।
यकीन माने इसका जवाब बड़ा संभव है जब उसको इसकी ज़रूरत है। और मैं नहीं समझता कि स्कूल लाइफ के अंदर आपको उसको सेपरेट मोबाइल फ़ोन ले जाने की कहीं भी ज़रूरत है। घर के अंदर उसको मोबाइल फ़ोन दिलाइए, उसको कहे कि घर में इस्तेमाल करो, गाइडेड इस्तेमाल करो, इस टाइम को पर इस्तेमाल करो, लेकिन आपको बाहर स्कूल में ले जाने की, बाहर घूमने की मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत क्या है? वो कौन सी ऐसी ज़रूरत है जो मोबाइल फ़ोन की बाहर पूरी होगी और घर में पूरी नहीं होगी? कॉलेज में जाएगा बच्चा, यूनिवर्सिटी के अंदर जाएगा बच्चा, तो आपको मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत होगी। एक और भी बड़ा सवाल होता है कि जी वो हम इसलिए स्कूल के अंदर भेज देते हैं ताकि हमें अगर कुछ पूछना हो तो हम पूछ सकें। वो तो आप अपने ड्राइवर से पूछ लीजिए, अगर आपके ड्राइवर को छोड़ के आता है तो स्कूल से फ़ोन करके पूछ लीजिए। क्योंकि आपको अगर ज़रूरत नहीं है और मोबाइल फ़ोन देंगे तो उसका कोई ना कोई इस्तेमाल ज़रूर वो करेगा, और ज़ाहिर है वो मजबूत इस्तेमाल नहीं होगा। हर वो चीज़ जिसका ज़रूरत ना हो और आप उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो उसका कोई मजबूत इस्तेमाल नहीं होता, ज़्यादातर मनफी इस्तेमाल होता है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।